आवेश का मात्रक हम लोग जानते हैं, आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम। तो हम लोग इस वीडियो में देने वाले हैं कूलाम की परिभाषा। कौन सा कूलाम? एक कूलाम की परिभाषा। एक कूलाम की परिभाषा क्या है, देखिए समझिएगा। चूंकि हम जानते हैं कि निर्वात में हम लोग पढ़े हैं कि एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 / r² या कूलाम बल होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग, मान लेंगे क्या कि एफ का मान ले लेते हैं 9 × 10^9 न्यूटन, और Q1 और Q2 का मान Q के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ R का मान ले लेते हैं हम लोग 1 मीटर। इसको ले लेते हैं समीकरण फर्स्ट। तो अब हम लोग उसका मान उसमें रखेंगे तो क्या रखेंगे, f का मान है 9 × 10^9, और उस साइड हम लोग जानते हैं कि नियतांक जो होता है उसका मान होता है 9 × 10^9 Q×Q/1². तो ये पूरा कट गया, तो इधर बचा 1, उस साइड बचा Q²/1, तो Q²=1, तो Q बराबर होगा √1, यानी Q = ±1, ठीक है। ये Q = ±1 कूलाम। तो डिफिनीसन क्या बना इसका, देखिए। तो होगा आवेश की वह मात्रा जो परिमाण एवं प्रकृति में समान, परिमाण एवं प्रकृति में समान आवेश जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है, नौ गुना 10^9 न्यूटन बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। इसी डिफिनेशन में यहाँ 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं एक दूसरे को, यहाँ पर डिफिनेशन को अच्छा करने के लिए यहीं से आप बदल सकते हैं डिफिनेशन को, और अच्छा हो जाएगा। तो कैसे होगा, देखिए, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, अब लिख दीजिए एक दूसरे को, लिखेंगे 9 × 10^9 न्यूटन बल से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने का कारण है कि वो दोनों का परिकृति क्या है, समान है। प्लस प्लस आवेश में प्रतिकर्षण होता है, इसलिए करते हैं। एक कूलाम आवेश कहलाता है, एक कूलाम आवेश कहलाता है, ठीक है। कंप्लीट हो गया, ठीक है।